मऊ में आज ट्रेन आने की संभावना है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बताया जाता है कि साबरमती से 1200 प्रवासियों को लेकर मऊ पहुंच रही है। बताया जाता है कि कल ही वो ट्रेन आने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो विलंब हो गई, जो आज दोपहर को पहुंचने की भारी संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसको लेकर पूरा जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और जगह जगह भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दिया गया है। मऊ SP और DM ने भी मऊ रेलवे स्टेशन और प्लेटफार्म का निरीक्षण कर और तरह तरह की हिदायत को भी दे दिया गया है, जिसको लेकर एक बार फिर से पूरी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग और रेल कर्मी के अधिकारियों ने भी यह मऊ रेलवे स्टेशन का दौरा कर निरीक्षण किया और आज दोपहर तक ट्रेन आने की संभावना है, जिसको लेकर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। मऊ में जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। जी हां, बताते चले कि साबरमती से आज ट्रेन आने की मऊ में संभावना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। भारी संख्या में पुलिस व्यवस्था और जिले के आला अधिकारियों ने मऊ रेलवे स्टेशन का और प्लेटफार्म का निरीक्षण किया। जी बताते चले कि आज मऊ में ट्रेन पहुँचने की भारी संभावना व्यक्त की जा रही है। ये कल ही आने वाली थी ट्रेन, मगर किन्हीं कारणों से वह विलम्ब होने व लेट होने के चलते नहीं ट्रेन आ पाई और आज दोपहर को आने की संभावना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और मऊ रेलवे स्टेशन और प्लेटफार्म का निरीक्षण भी किया है और किस तरह से इनको रखा जाएगा, कि कहां पर रखा जाएगा, पूरी तरह से व्यवस्था कर ली गई है। बताया जाता है कि गुजरात से साबरमती एक्सप्रेस आ रही है, जहाँ पर 1200 प्रवासी आने की संभावना है। ये पूरा वाक्य दिखा रहे हैं मऊ रेलवे स्टेशन का, जहाँ पे किस तरह से पूरी छावनी में तब्दील है ये पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये ट्रेन मऊ में आएगी। ये देखिए, मऊ के DRM रेलवे के DRM भी पहुँच चुके हैं और किस तरह से मऊ के जिला अधिकारी SP और भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य कर्मी और अन्य लोग भी लगाए गए हैं। ये पूरी व्यवस्था दिखा रहे हैं मऊ रेलवे स्टेशन का, जहाँ पे आज ट्रेन दोपहर को आने की संभावना है, जिसको लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था व तरह तरह के उपायों को भी अंजाम दे दिया गया है।